बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? क्या क्या हाल है आप लोगों का? तो आज मैं आपके लिए इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो लेके आ रही हूँ आई हूँ तो बताइए, मेकअप करके दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये मैंने आई बेस लगा लिए लगा रही हूँ एसटी की फाउंडेशन जो है ना, फिलहाल अभी मेरे पास आई बेस नहीं थी तो एसटी का मैंने फाउंडेशन ही लगा लिया। तो स्पंज के साथ टैप टैप करके मैंने इसको सेट कर लिया। टैप टैप करके अच्छी तरह इसको फाउंडेशन को फिक्स कर लिया मैंने। तो वही फाउंडेशन मैं आईज के नीचे लगा रही हूँ। जाइएगा मत, पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि मेरा मेकअप आपको कैसा लगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। ये देख लें, ये पेन केक है तो ये मैं लगा रही हूँ आई बेस के ऊपर ना। ये मेरे पास आईलाइनर है तो मैंने फिर ज़्यादा ठीक करने के लिए ये वाला यूज़ करती हूँ। काफ़ी मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जो शेड वगैरह गिरे हुए थे वो मैंने टिश्यू से साफ़ कर दिए। तो ये SC2 इनका है स्टिक, इनकी स्टिक है तो ये मैं अप्लाई करूँगी। पहले थोड़ा सा कंसीलर लगा लूँ। तो कंसीलर लगाने के बाद तो मैं लगाऊँगी ना। ये भी काफ़ी अच्छे कंसीलर हैं तो जिसने लेने हो तो लाजमी ले लीजिएगा और यूज़ करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसे लगेंगे ना। ये तो आम मिल जाते हैं, कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। मैं ये 3-4 कलर लेके आई थी। ये देखिए काफ़ी कवरेज अच्छी है। मैंने ये बेस जो स्टिक है कवरेज काफ़ी अच्छी है और टैप टैप करके मैंने इसको सेट किया है। ये इनका है पेन केक, तो मैंने पानी के साथ नहीं अप्लाई कर रही, मैंने ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा टैप टैप करना था तो इसलिए ज़्यादा नहीं मैंने करना था। तो ये इनका है लूज बॉर्डर, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो येलो येलो ना बहुत अच्छा कवर है, कवरेज भी काफ़ी अच्छी है इनके बेस की। तो ये मैंने लगाया है, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कैसे लगा रही हूँ, आप देखिएगा। है हाईलाइट का, ये इनका शाइनर है लूज शाइनर, बहुत अच्छा लगा। इसका कलर बहुत प्यारा है, स्किन है स्किन बहुत कलर प्यारा है इसका ना। मैंने ये गर्दन के ऊपर और हल्का हल्का सारे फेस के ऊपर लगाया है, काफ़ी अच्छा है। मगर ये है कि स्किन ग्लो करती है, नज़र भी नहीं आता और स्किन के साथ मैच हो जाता है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा लग रहा है मेकअप किया हुआ। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।